प्रतिदिन की भांति गौ सेवाधाम हॉस्पिटल अपना सेवा कार्य कर रहा था, तभी पासी के एक गांव अलालपुर से एक कॉल आई। उन्होंने बताया उनकी गौ माता का पैर टूट चुका है, तो गौ सेवाधाम हॉस्पिटल की एम्बुलेंस तुरंत वहां पहुंची और वहां जाकर के देखा तो गौ माता भारी कष्ट में थी। उनके पैर की हड्डी टूट चुकी थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि जहां गौ माता रहती थी उस स्थान पर फर्श था, यानी पक्का था, और पैर फिसलने की वजह से पैर की हड्डी टूट चुकी थी। यह सब देख परिवार वाले बहुत दुखी थे। स्थानीय लोगों की मदद से गौ माता को गौ सेवाधाम हॉस्पिटल में लाया गया। हॉस्पिटल में लाते ही डॉक्टर्स की टीम तुरंत अपने कार्य में लग गई। इंजेक्शन, ग्लूकोज आदि देकर के गौ माता को कष्ट से दूर किया। गौ माता को चारा खिलाया गया। उस गौ माता को दर्द से थोड़ी राहत मिली, लेकिन पैर की हड्डी अभी भी बाहर थी। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन कर पैर की हड्डी को काट करके निकाल दिया। पैर की हड्डी को निकाल करके उसके ऊपर पट्टी की गई। गौ माता फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो सके, इसके लिए फोर्कलिफ्ट मशीन के द्वारा उन्हें खड़ा किया गया। धीरे धीरे गौ माता अभी स्वस्थ है और दर्द से उसे राहत मिल चुकी है।